टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है सुर्खियों में बेसिक कंट्रीज। सबसे पहले देखते हैं यह चर्चा में क्यों है। बेसिक देशों की जलवायु परिवर्तन पर 28वीं मंत्री स्तरीय बैठक हाल ही में संपन्न हुई। 14 से 16 अगस्त के बीच ब्राजील के साओ पोलो में इसका आयोजन हुआ। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इस बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया। जलवायु परिवर्तन पर बेसिक देशों की 29वीं मंत्री स्तरीय बैठक चीन में होगी। 2 से 13 दिसंबर 2019 को चिली की राजधानी सेंटियागो में COP25 का आयोजन होगा। आइए अब बैठक की मुख्य बातों पर नजर डालते हैं। जलवायु परिवर्तन और इसके प्रतिकूल प्रभावों के बारे में बेसिक राष्ट्रों के पर्यावरण मंत्रियों ने अपनी चिंता व्यक्त की। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन यानी UNFCCC, क्योटो प्रोटोकॉल और पेरिस समझौते के सफल कार्यान्वयन के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त की गई। मंत्रियों ने कार्बन उत्सर्जन में कमी पर अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन यानी IMO और अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन ICAO के कामों का उल्लेख किया। IMO और ICAO द्वारा किए जा रहे कार्य, UNFCCC, क्योटो प्रोटोकॉल और पेरिस समझौते उनके प्रमुख सिद्धांतों के पूरक और अनुरूप होने चाहिए। मंत्रियों ने विकसित देशों से आग्रह किया कि वे विकासशील देशों में जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न होने वाले नुकसान और क्षति के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करें। आइए देखते हैं क्या हैं बेसिक कंट्रीज। ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, भारत और चीन का समूह बेसिक कंट्रीज कहलाता है। यह बेसिक ग्रुप के रूप में भी प्रसिद्ध है। इसका गठन 28 नवंबर 2009 को हुआ था। इन चार देशों के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर के बाद यह अस्तित्व में आया। यह समूह दुनिया के एक तिहाई भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है, साथ ही दुनिया की लगभग 40% जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए UNFCCC में एक साथ खड़े रहने वाले समूहों में से एक है बेसिक। साथ ही कुछ अन्य समूह हैं जैसे ओपेक, CACAM यानी सेंट्रल एशिया, कॉकेसस, अल्बानिया और मोल्डोवा, कैरेबियन और लैटिन देशों का स्वतंत्र समूह इत्यादि।